हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी सभी को। आप लोग कैसे हो सब? उम्मीद है जी सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने सुबह आज मॉर्निंग 8 बजे से। और जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, उसके बाद मैं अपने लग गई थी सफाई में, तो आज मैं बच्चों वाले रूम की सफाई कर रही हूँ। तो जी ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर लेना, जो भी चैनल पर नए हैं जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने ये निकाल दी है जी सर्दियों वाली चादर, ड्राइंग रूम की चेंज कर दी थी परसों और ये आज मैंने इस वाले रूम की कर दी है। बेड शीट सब इकट्ठी कर दी हैं, मशीन में चला रखी हैं तो भी धुल रही हैं और नई वाली बिछा दी हैं। मेरी बेड शीट कैसी लग रही है भाई कमेंट में बताइयो। और मैं लगी हूँ डस्टिंग करने, डस्ट बहुत आ जाती है, पता नहीं डेली मैं करती हूँ फिर भी आई जाती है। और जी झाड़ू मैंने लगाई दी थी सुबह की, फिर झाड़ू लगाई तो बच्चे चले गए स्कूल, तो फिर मैंने आराम से बैठ के चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं इस काम में लग गई और पोछा लगाया नहीं है, क्योंकि मैं पहले पोछा लगा दी थी तो फिर बेड के गद्दे में से, और देखो थोड़ी बहुत तो मिट्टी जड़ती है, कितना भी क्लीन कर लो। और घर को तो देखो साफ रखना चाहिए भाई, छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता है कि कितना भी छोटा घर हो या बड़ा हो, सफाई करनी चाहिए। तो वही है, मंदिर बनवाऊंगी, तीर्थ नहीं मैं जाऊंगी। तो ये है जी गीत जो गाँव थे पहले। तो जहाँ भी रहते हैं तो सफाई बहुत ज़रूरी है। और जी मेरी यहाँ की भी डस्टिंग हो गई है, ये मैं अपने रूम में आ गई थी, तो यहाँ बेटा कर देता है संडे वाले दिन, फिर भी मैं डेली करती हूँ। अब जी मैं ड्राइंग रूम में कर लेती हूँ। और मछलियों का भी दाना डालना है, वैसे तो साफ है ये जमा रखी है, लेकिन ये साइड में से ना काट है तो इस पर जम जाता है। और ये यहाँ पर जी मैं डस्टिंग को बीच में छोड़ के लग गई फिश को दाना डालने। ये हमारा ना फिश बोट, इसका बिना क्लीन नहीं हुई है, 2-3 दिन हो गए, तो पानी अभी साफ नहीं करा है, पता नहीं कब करेंगे। आज दाना नहीं डाला तो मैं ही डाल देती हूँ। और आप सबका दिल से धन्यवाद है जी, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सब की सपोर्ट मेरे को बहुत ज़रूरी है, बगैर आपकी सपोर्ट के देखो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ पूरा देखना, वीडियो को पूरा देख के फिर कमेंट छोड़ना। और जब आप सबका सपोर्ट मिलता है तो देखो अच्छा भी लगता है, और वीडियो बनाने का भी मन करता है, डालने का भी मन करता है। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ जी सेब काटने, डस्टिंग कर ली, झाड़ू लगा ली, तो मैं थोड़ा सा थक गई थी, कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सेब खा लेती हूँ। आ जाओ जी सब सेब खा लो। और जी सेब खाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा, तो ये मैं रख देती हूँ, आधा ही खाया गया मेरे पे। अब मैं ले आई हूँ पोछे का पानी, तो मैं पोछा लगाने लग गई हूँ। सुबह सुबह देखो खाया नहीं जाता कुछ भी, और थोड़ा बहुत नहीं खाते हैं तो फिर काल जैसे ही टूटा टूटा सा रह, तो हल्का सा खा लेना चाहिए। यहाँ पर राजीव जी बात कर रही है मेरे से, तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मेरी हँसी छूट रही है, तो ऐसे ही भाई अपनी हँसी मजाक चल रही है, अच्छा लगता है। अकेली मैं बोर हो जाती हूँ ना, तो वे बात करते रहते हैं, बच्चों के जाने के बाद अकेले अकेले से हो जाते हैं, उनके आने के बाद तो देखो काम भी बहुत सारा फैला देते हैं वे। और मेरे को काम मिल जाता है, गुस्सा भी आता है, पर क्या करें भाई, बच्चों के बगैर देखो है भी नहीं कुछ। तो भाई मेरा यहाँ पर भी पोछा ये लगा लो कम्प्लीट हो ही गया है, और अब मैं आ गई हूँ पीछे तो गैलरी में। और जो मैंने कपड़े धोए हुए थे ना, वे सारे कपड़े मेरे मतलब अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब मैं इनको साफ पानी में से निकालूंगी, ड्राई करूंगी। ये हैं बेड शीट, हैं ये वाइट कलर की बेड शीट बिछानी है ना, बड़ी टेंशन बाजी है सच्ची बता दूँ तो बहन। वैसे भी कलर भी इनका हल्का हल्का ब्लैक पड़ गया है। और जी यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा कम पार्ट डाल लेती हूँ कपड़ों में, क्योंकि इससे ना खुशबू अच्छी आती है, तो मैं कपड़ों में ज़्यादातर पहनने के हो या बिछाने के उड़ने के कैसी हो भाई मैं यूज करती हूँ। और जी पहले कितना सारा काम होता, अब थोड़े से काम में थक जाते हैं ना। पहले के टाइम में तो देखो भैंस का भी काम, घर का भी काम, खेत का भी काम, कितना सारा होता था ना, और सभी कर लेती थी हमारी मम्मी दादी भाई जो भी थी। और अब तो देखो घर का ही काम नहीं होता, लेकिन अब तो सफाई सफाई। और पहले क्या था कि सुबह झाड़ू लगा दी, शाम को झाड़ू लगा दी, और कोई आया है तो भाई कच्चे मकान थे चौका लगा दी थे, बस ये काम था। ये वाले कपड़े भी धो दिए, हल्का सा यहाँ वाइपर से साफ कर लूँ।
और मैं नहा ली थी लेकिन फिर दोबारा से गिल्ली हो गई थी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं सीधी नहाने चली गई थी। फिर मैंने कि कपड़े तो बाद में भी निकाल दूंगी, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद ना फिर रुका नहीं जाता बगैर नहाई। ऐसा लगता है जैसे कितनी मिट्टी लगी हो हाथ पैरों में, और अब मैं ये सुखा रही हूँ जी। देखो ये वाले कपड़े थे ना जो, वे सूख चुके थे, मैं पहले डाल के गई थी हल्के वाले, और अब मैं ये चद्दर और जीन्स लेके आई हूँ, तो इनको सुखा दूंगी। और जो ये दूसरे हैं ना कपड़े, इनको उतार ले जाऊंगी। और वो मेरे सामने वाली मेरी पड़ोसन का भी देखो अभी काम चल ही रहा है, वो भी कपड़े धो के सुखा रही हैं। ऐसा पूछ रही हैं हो गया काम, तो मैं बता रही हूँ मेरा तो काम पूरा ही दिन चलता है। और जी ये कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और ये दूसरे वाले मैं लेकर अब जा रही हूँ नीचे, और जी दोबारा इनको उतारने आऊँगी मैं बाद में, इतना थोड़ी सी देर पहले करूँगी जी रेस्ट। आ जाओ जी अमरूद खाएंगे, मसाला लगवा हुआ है देखो, और अंदर भी गाल कर दे रखा। ओहो हो, ये तो मैंने कागज ही फाड़ दिया। मैं ऐसी हूँ वीर, खा कर बता वीर कैसा लग रहा है। पहले आओ पहले पाओ, आओ जी अमरूद खाओ, हम खा रहे हैं। भाई बात वाला ना कम मिल लगा। बात वालों को कम मिलेगा, जो पहले आएगा वो पहले बड़ा अमरूद छांट के खाएगा। अब जैसे मैंने सबसे पहले सबसे बड़ा अमरूद छांट लिया है, अमरूद खूब बड़े बड़े, कम से कम आधे किलो तो ज्यादा का ही होगा। अब ये मैं लगा रही हूँ जी कपड़े कितने हैं, और बेटे से मंगवा लिए थे कि बेटा कपड़े उतार लाओ, तो उसने उतार के दे दिए। और फिर मैं अब जैसा जीन्स है बेड शीट है तो उनको नहीं करूँगी प्रेस, और ये जो हल्के वाले कपड़े हैं उनका प्रेस करूँगी शाम को। लेट अभी तो काम ही नहीं निमटा जी, शाम का काम चालू हो जाएगा। अब प्रेस करने के बाद चाय पानी बनाऊँगी, फिर जी खाने की तैयारी करूँगी। और अब वीर आ गया है, ये भी परेशान करेगा, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जी जिनका आंसर मेरे को देना पड़ता है बड़े सोच सोच कर, पता नहीं कहाँ ये मेरे को फंसा के खड़ा कर दे। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं जी, बहुत शैतान है। तो जी आज का ब्लॉग कैसा था प्लीज़ लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए हैं जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। राम राम जी, नमस्ते जी सभी को।